मुजफ्फरपुर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष समेत कुल 12 पदों के लिए 2 दिवसीय नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को अनुमंडल अधिकारी पूर्वी के कार्यालय में निवर्तमान अध्यक्ष अमरनाथ पांडे और मुखिया अशोक सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल कराया। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों के प्रस्तावक और समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में समर्थक भी मौजूद रहे। अंतिम दिन विभिन्न पदों पर 20 से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन किया। हाँ, नामांकन का 2 दिन का टाइम था, 27 और 28 तारीख को, और 3 बजे तक नॉमिनेशन है। जो भी आएंगे सबका नामांकन लेंगे। ऑलरेडी हम लोग का नामांकन प्रसंग का टीम काम कर रहा है। किन पदों के लिए किया जा रहा है? इसमें तो पद टोटल 13 पद है और उसमें ग्रुप है A, B, C, D, 4 ग्रुप है और सब ग्रुप में पद डिफाइंड है। जैसे ग्रुप ए में अध्यक्ष का है 1 पद है, फिर ग्रुप बी में 9 है, ग्रुप सी में 1 पद है और ग्रुप डी में 1 पद। इसी के अनुसार नॉमिनेशन लिया जा रहा है। नामांकन का आज आखिरी दिन ही है, 3 बजे तक है, लेकिन जो भी यहाँ उपस्थित है सबका नामांकन लिया जा रहा है। 12 तारीख को है चुनाव और मंडल हम लोग का न्यायालय कक्ष है, उसी को मतदान केंद्र बनाया गया। अभी 18 प्रत्याशी का हो गया। चुनाव अगर जीतते हैं तो उसके बाद जो बैंक के बेहतरी के लिए जो जो संभव उपाय होगा वो सब करेंगे। अभी तो मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं खुद ही निर्वाचन में हूँ, एक प्रत्याशी हूँ, तो अभी कोई वादा करने की स्थिति में तो हूँ नहीं। पूर्व का कार्यकलाप बताता है कि मैंने कुछ किया है, आगे भी करूँगा। कितने साल कार्यकाल रहा है? 2003 में पहली बार हुआ था, 8 में ख़त्म होना था, 3.5 साल का एक्सटेंशन मिला था, 12 में पुनः चुनाव हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर 23 में हो रहा है। कुछ अधूरे कार्य भी रह गए होंगे सब कार्यकाल के दौरान? अब इच्छाएं तो बहुत चीज़ होती है, तो सारी इच्छाएं तो एक साथ पूरी नहीं हो सकती है। जितना ज़्यादा कर सकते थे उतना किया है और बेहतर करने का, मतलब बेहतर से और बेहतर, उससे और बेहतर, इसकी तो कोई सीमा नहीं होती कि आदमी कहाँ तक उठ सके। तो इच्छा तो है करने का।